बताओ लेडीज बच्चों को उठाओ और शॉपिंग पे जाओ तो कैसा बताओ जंग है ओ भाई क्यों बात सुन बच्चे तो मैंने उठाए होते हैं कखी को साठ मैंने उठाया तो जंग में तुम भी सिपाही हो इन्हें बताएं मर्द के साथ आपने ठीक है कूल लोग के रहना होता है और मर्दों को भी चाहिए औरतों के साथ कूल होकर रहें तो फिर घर अच्छा चलता है दोस्त मैं ही नहीं हूं तेरा तो मैं दोस्तों के साथ ही बोला ना मैंने ये दोस्तों के साथ मैं ना दोस्त और गाइस यहां पे गोरिल्ला डांस हो रहा है करके दिखाओ जरा फिर बाजू ऊपर कर ये देखें गाइस आपने मेरा जंगली बच्चा देखा है ये देखें आज ये पकड़ना मुश्किल हो गया कीन का टूट जाएगी कोई लेने का फायदा भाई नहीं लेने नहीं फायदा लेना अस्सलाम वालेकुम जी क्या चल रहा है सारे ठीक ठाक होंगे चलिए आप ही बोले बोल लेना वुमेन तो बोलती बंद कर दिया है अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है आप लोगों को उम्मीद करती हूं सब ठीक ठाक होंगे तो वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग के अंदर तो अब आप आगे से बोल दो क्या जो अभी आज व्लॉग स्टार्ट कर रहे ना रोजे से थोड़ी टाइम पहले से बना के क्या और आज इनकी अफ्तारी में मैं आप लोगों को बताती हूँ मेन्यू क्या है मेन्यू है दाल एंड चावल मुझे बहुत पसंद है मसर और साथ में व्हाइट चावल अगर आप लोगों को पसंद है ना एक दफा करो कमेंट्स में तो अभी बात यह है कि मसर चावल इन लोगों के लिए बन रहे हैं आज फिर से हमने जंग पे जाना है बताए कौन सी जंग पे जाना है शॉपिंग करना कौन सा जंग से कम है गाइस ये बड़ी अच्छी बात कही है आप बताओ लेडीज बच्चों को उठाओ और शॉपिंग पे जाओ तो कैसा बताओ जंग है ओ भाई क्यों बात सुन बच्चे तो मैंने उठाए होते हैं कखी को साठ मैंने उठाया था तो जंग में तुम भी सिपाही हो अच्छा अच्छा तुम भी सिपाही हम हो देखिए योद्धा सिपाही है ओ मैंने कहा तुम भी सिपाही हो पर जर्नैल तो हम ही लोग हैं ना नहीं मैंने बोला तुमने ये बोला है कि हम औरतों को मतलब हम साथ में नहीं होते क्या बात है तुम्हारी होते होते आप ही तो पहले होते बॉर्डर पे पहले सिपाही जाता है बाद में जर्नैल जाता है तो सीन कुछ ऐसे हैं टाइम खुलने में ज्यादा टाइम नहीं है यकीन जिस तरह की महंगाई इन लोगों ने की हुई है ना मैं बोल रही हूँ ऐसे लगता है जैसे ना वो नहीं है शॉप कीपर आप से रेट पूछो क्या है ऐसे लगता है जैसे जदाद में हिस्सा मांग रहे यकीन करो ऐसी फीलिंग आती है बंदे में भाई बहुत महंगाई हो चुकी है लेकिन क्या करे जैसे किसी बंदे ने बोला कि जायदाद में हिस्सा मांग रहे यही फीलिंग है हाँ ना तो गाइस अभी अबिया फातिमा कह रही है बाबा मैंने झूला लेना है घर के बाहर झूले लगे हुए इतने तो लेडीज के कपड़े महंगे नहीं होते जितने चुनियों मुनियों के कपड़े महंगे होते हैं मैं यकीन से बता रही हूँ आप लोगों को इतने हमारी जूतियां महंगी नहीं होती जितनी इन लोगों की महंगी होती है यार ये क्या बात होगी इतना सा मटेरियल है उसके ऊपर इतने पैसे मांग लेते जांच करो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है तो गाइस अभी अबिया फातिमा कह रही है मुझे झूला लेना है कि झूले वाला कह रहा है कि वो स्पीड से चलाता है दूसरे बच्चे कहते हैं कि हम लोग फिर ही पैसे देंगे स्पीड से झूला चलेगा लेकिन अबिया फातिमा कह रही है बाबा मेरे साथ चलो झूला लेना लेकिन स्पीड कम है तो चलो भैया आओ अस्सलाम वालेकुम तो कर दो तो आओ आओ जरा तो गाइस अभी चलते हैं नीचे घर के नीचे बच्चों की तैयारी है ईद की क्यों आराम से दरवाजे के वहां जाओ घर के नीचे कैसे जाओगे तुम जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस अच्छा तो चलो मैं बिया की स्कूटी पे चलता हूं डायरेक्शन करनी पड़ेगी अबिया की स्कूटी ये देखो मेरे को भी चलानी आ गई है देखो ये भाई दिल तो बच्चा है आप भी चलाती रही ये गाइस जिसमें रिकॉर्ड नहीं किया इसने भी चलाई थी मैं बचपन में कल चला रही थी ये देख लो गाइस ये भी चला रही है ठीक किसी ऐसी बात कोई नहीं है ये देख लो ये चला रही है ये भी स्कूटी ऐसा ही है ये देखो गाइस ये चेक करो इसे चलाना मलाना कोई नहीं आता लेकिन फिर भी कोशिश कर रही है ये निकल ये गाइस ये चेक कीजिएगा अभी ये चला के बता रही है बचपन अपना ताजा करिए हमारे ये देखो डफर ये क्या बदतमीजी है मैंने आपको बोला ये निकल जाएगी तुम एक नंबर की मोटी हो रहे तो मैं मोटी नहीं हूँ मैंने खींचा था इसको एक नंबर की मोटी हो रहे तो तुम ठीक है एक नंबर की मोटी देखो बच्चा कैसे तोड़ दिया बहुत बुरी बात है दीदा बहुत बुरी बात पहले आपने अपना मोटापा इस पे जाहिर किया बाद में मेरे नाम पे लग गई तो गाइस इसने हमारे बच्चों का नुकसान कर दिया अभी मुझे इनका नुकसान पूरा करना पड़ेगा रिपेयरिंग मैं खुद करके दूंगा चलो भैया रिपेयरिंग हो जाएगी टेंशन नहीं लो भाई बाबा है ना बाबा है टेंशन नहीं लो तकी बाबा ओए तकी तकी बाबा तो चलो अभी गाइस नीचे चलते हैं भैया फातिमा को झूला लाते हैं A few moments later. तो गाइस ये चेक करें ये घर के बिल्कुल करीब रुको 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 तो बात सुन कितने पैसे मुस्तफा और एक दो दस रुपए अंकल दस रुपए क्या दस रुपए दो अंकल को अभी ये फातिमा जरा ना स्पीड कम रखना अभी फातिमा उधर रुको उधर दस रुपए दो भाई के दस रुपए दो तरह दस रुपए दो तरह आ जाओ भैया आराम से बीच में बैठो इधर भी इधर बैठो राम से अभी यह डरना नहीं ज्यादा स्पीड नहीं ज्यादा नहीं करनी ठीक है तो गाइस इधर हमारी बिया फातिमा और मोहम्मद मुस्तफा झूला झूल रहे हैं मुस्तफा कितने पैसे पास बचे हैं 50 रुपए भी और झूले मत लेना A few inches later. तो गाइस इधर हमारे कुछ गली के लोंडे आए हैं क्या नाम है तुम्हारा अबू बकर और तेरा क्या नाम है तू भाग क्यों रहा है ये हजारीबाग का बच्चा भाग रहा है इधर तो आना किधर जा रहा है क्या तू बार बार शोर करके जा रहा है नजर नहीं आ रहा सीधे सामने आएगा नजर आएगा ना सही है क्या नाम है तेरा किधर से है अरे गली से है इतनी मस्ती क्यों कर रहा है ब्लॉग देखता है
तो देखता तो फिर मजे से देखा कर, ठीक है बोल मैंने ब्लॉग में आना तेरे को ले लेते हैं। ये देख जैसे शरीफ बच्चा आया, शरीफ बच्चा बन के आया है, वीडियो में तो शरीफ ही लग रहा है, वैसे शरीफ है या नहीं है? नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? गैस बच्चे वैसे भी शरीफ इतने नहीं होते, हम लोग बच्चे रह चुके हैं, ठीक है, लेकिन ये बच्चा शरीफ है। ठीक है आ गए हो? ठीक है तो चलो गाइस अभी हम लोग ठीक है चलते हैं घर पे, बच्चों को तुम लोग झूले ले लिए, चलो ठीक है अभी घर पे चलते हैं, रोजा खुलने में चंद मिनट बाकी है। क्या बस भाई क्या हो गया भैया, फातिमा इतने ही लेते हैं, ज्यादा लोग ही पेट में दर्द होगा। ठीक है वो देख मुस्तफा गिर रहा था ना, उसे झूले ले रहा गिर रहा। तो गाइस घर पे वापसी आ गए हैं और ये मैं सही करते तो ना, और टाइम हो चुके हैं हमारे पास 10 से 15 मिनट बाकी है रोजा खोलने में। अच्छा गाइस ये कह रहा है ठीक है मैं भी हूँ, मुझे भी लिया कर ब्लॉग में, ले लिया आप लोग। ठीक है ओए ओए गाइस गाइस ये क्या कर रही लीजिए गाइस, ये अभी ना ठीक है मूछे दाढ़ी साफ कर रही थी। अबे साले ये देखे गाइस, ये चेक करे जरा, ये देखे आप नहीं करवा के नहीं गाइस, ये देखिए मूछे अपनी साफ हो रही है भाई, हमें बता दो हमारी इसी के हमारी मशीन के साथ कर लो। ठीक है ट्रिमर मेरा किधर है गाइस, मैं कर ये ट्रिमर के साथ कर ले, ये लो करोगे ट्रिमर के साथ? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर है? तुमको पता है पीछे पीछे A few moments later. एक बात बताए मुझे, मौत क्यों पार्टी शरबत बताते हुए आपको? नहीं आप लोग बात बताओ, दाल चावल के साथ शरबत का क्या? भाई रोजेदार हमारी मर्जी जो भी है, ठीक है आपको मतलब कोई गाइस से मौत पार्टी है, ठीक है मैंने बोल दिया शरबत बना लो, कह रही नहीं शरबत की जरूरत है, ठंडा पानी पी लीजिएगा, मतलब हमारा रोजा है हम तो ठीक है, अगर अफतारी करना चाहते अच्छे तरीके से करना चाहते, ये लोग हमें टाल रही है। अब मेरे ड्रामेबाजी मत करना, जल्दी बनाओ गाइस, मैंने कैसे बनवाया लेकिन जरा मुझे पता है, मुझे पता मैंने कैसे बनवाया, ठीक है ऐसी गलत बात है, और तो अपने मियाँ की सारी खिदमत किया करो आप, ठीक है आपने अपने मियाँ की वजह से जन्नत में जाना समझिए आप, वो मेरे सरदार ही कर रहे हैं। हाँ जल्दी करे, देख ले नक चाढ़ के कर रही है, हम लोग गाइस आपके लिए ठीक है जान भी देने के लिए रेडी हो जाए, तुम लोग हमें शरबत बना के बिना दो, बहुत ठीक है शर्मिंदगी वाली बात है, मुझे आप ये तवक्को नहीं थी, मर्द के साथ आपने ठीक है कूल होकर रहना होता है, और मर्दों को भी चाहिए औरतों के साथ कूल होकर रहे तो फिर घर अच्छा चलता है। चल मैं कौन हूँ? कौन मुझे ड्रामे मत कर, जल्दी से रशद का टाइम कर, अब जल्दी का टाइम कम है, ठीक है 10 मिनट है हमारे पास, जल्दी कर। 2000 years later. तो वेलकम बैक गाइस, अभी हम लोग ना निकलने लगे, बहुत ही मुश्किल काम यार, ये जो बच्चों की शॉपिंग है ना पता नहीं क्या चक्कर है, खत्म नहीं हो रही। बेगम क्या चाह रही हो तुम? मैं क्या चाह रही हूँ, कुछ बंदे के बच्चों वाली चीज मिलती नहीं है, वैसे जाके पैसे उड़ाऊं, जो चीज इतनी महंगी जो चीज है पता नहीं क्या क्या बोलूं मैं भाई, मारो मुझे मारो। तकी बाबा बताओ कहाँ जाओगे क्या? तो गाइस ये बात करने की कोशिश करता है, आपको पता है, ये देखो ये बहुत डांटा लड़का है, ये देखो क्या 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 हुआ है बोल। तो गाइस ये बोला अस्सलाम वालेकुम, जाओ अम्मा के पास, भाई हमने तेरे को मना किया, जा बड़ी अम्मा वे तो बड़ा बच्चा वे है, वे बड़े दो माँ पुत्र, चलो तो गाइस इधर मोहम्मद मुस्तफा कह रहे हम भी हैं, आओ वाओ हम जा रहे हैं, और आ जाओ नीचे जरा। ओ माय गॉड, वीला वाले काम ना करो जालिमो, मैं जा रही हूँ, आ जाओ अपनी पलटन को लेके, पलटन चलो पलटन चलो चलो पलटन पलटन चलो, ये पलटन की और ये पलटन गए, इसके घोड़े की लगती है। तो गाइस चलो ठीक है अभी निकलते हैं शॉपिंग पे। फ्यू मिनट्स लेटर, ये बीहा के लिए ले ले, हां जो समझ आती है ले लेना, तो 11,000 की पड़ी है, 11,000 सही है ना? सही ठीक है, मेरे को पसंद आ रही है, इसके साथ टॉप में ला लेते हैं, बस में ला लो जाना, यहीं से ले लेते हैं टॉप, ले लो टॉप से, चलो ले लो कुछ बस, ये देख यहां पे वैरायटी सही है, अब जो समझ आती है दो बस काम खत्म करो, तुम बताओ ना तुम एंड में बड़े चूजी हो जाते हो, नहीं ये नहीं होंगे, पैंट भी और देख लो, पैंट मेरे को हाथ समझ नहीं आ रही, पैंट पैंट और देखो, पैंट और भी तो बड़ी है, ये पीछे का ये कलर देखो, नहीं तो उतर नहीं जाएगा, मतलब फेड पड़ जाएगा, पीछे ये देख लो डार्क कलर, ये देख लो ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, बेल बॉटम ये नहीं, ये नहीं मजेगी, हो ये? और देख लो ये भी मजेगी नहीं, ये बेल बॉटम देख लो। तो गाइस इधर अब बिया की शॉपिंग करने के लिए इसकी मामा ना मसरूफ है, बिया की बारों में करती है, मेरे बेटे बोल रहे होंगे भाई हमारी करती है, चलो कोई नहीं इसका देख लो ना, ठीक है आज उनका भी काम हो जाएगा, ये पैंट अच्छी लग रही वैसे ना, ये देखो ये पैंट देखो, ये पैंट अच्छी लग रही वैसे, ये वाली ना कलर अच्छा होगा, अभी से बुला के ट्राई कर लो, नहीं पहुंचा
और नहीं तो अच्छी लगेगी तंग पंचर होगी तो क्या हो गया तो ज्यादा फिर ब्रांड पे चलोगे ज्यादा अच्छी क्वालिटी चाहिए आपको तो क्या टॉप को नहीं है मजे का और देख लो तो गाइस ये दूसरे पेंटे तो बेहतर मिल रही है लेकिन टॉप वगैरह मुझे तो पसंद नहीं आ रहेगा जी वो लेना चाहते हैं उसकी मर्जी क्या कह सकते हैं क्यों वेगन साहब हां मैं आप पेंटे भी मैंने आपसे पूछ के लिए और अभी क्या कह सकते हैं टॉप मुझे नहीं पसंद आ रहे ठीक देख लो फिर और की साइड पे पड़े तो देख लो तो गाइस आप लोग भी बताइए अगर आप लोगों ने अभी तक शॉपिंग कंप्लीट की है या नहीं की हमारी तो अभी तक नहीं हुई हमारा दिल है आज हमारा काम हो जाए और हम भी ठीक है थोड़ा ना बंदा रेस्ट कर ले ठीक है करते हैं तो इधर क्या लोनो की हो गई है ना जल्दी से आओ देखते हैं अभी अभी आगे तो आप ले लेते हैं अपने मुस्तफा की पेंटे और तकी की पेंटे रहेगी चलो मुस्तफा की पेंटों की तरह देखो ना मुस्तफा की तरह पेंटे रही है तो गाइस कोई समझ नहीं आ रहा टॉप वगैरह ये छोटा नहीं लग रहा है ट्राई करवा के देख लो किधर है वो भाग जाती है ना आगे वैसे हां पीछे चली जाती है वो मतलब कोई पास पास रहे मां-बाप के तो वो बंदा देखे भी है क्या है साथ पूरा ये मैं देखो ये ब्लैक भी अच्छा लग रहा है ब्लैक अच्छा लग रहा है हां तो ना उसका बाप मोटा ना उसकी माँ मोटी है तो क्या बच्चे मोटे होंगे पागल है मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला इधर से मेरी बात सुनो आप ना ये जो ये पीछे करो जरा दोनों दिखाओ उधर पीछे ये दोनों पेंटे भैया के लिए सही है टॉप वगैरह इधर मजे का नहीं है छोड़ दे अभी इधर से ये दो पेंटे खरीदे और इधर से निकले नेक्स्ट तो चलो नहीं चलते मेरी जान चलते खवारी नहीं करते चलते हैं नहीं अगर बोलते तो हमारी आपको अच्छी नहीं लगती तो चलते हैं ना नहीं नहीं चल रहे हैं आगे चल रहे हैं तो गाइस ये ड्रामे मेरे को करने चाहिए तो ये ड्रामे कर रही है ठीक है ये अलग ड्रामे कर रही है तो गाइस अपनी माँ को तंग कर रहा है पेंट चेक करना यार अच्छा पहले बात मेरी बात वो पेंट चेक कर रहा ट्राई कर पूरी आई तो तेरी पेंट की इधर इधर साइज पूरा है जबरदस्त हो गया ये तो साइज है ये जबरदस्त ये क्या ले लिया भैया तुमने भैया पीछे सही है पेंटे होगी सही है ये सारी पेंटे बस ओके डन हो गया इधर तो गाइस इधर ना मैडम साहब ठीक है बच्चों से ज्यादा खरीदारी खुद कर रही है ना गजब बेइज्जती है इन्हें पसंद ही नहीं है झुमके झुमके देखो ये गाइस इसके मुंह से बड़े झुमके दिखाई तो दिखा पहन के दिखाएगी ये वाला पहन के दिखा अगर अच्छा हुआ तो ले दूंगा तुम्हें Oh my God! Wow! आप लोगों ने बताना कैसा लग रहा है? एक बार और गाइस यहाँ पे जो इनको घड़ी नजर आ रही है उठा उठा के ले लेके आ रहे हैं गोला गंडे वाली घड़ी और क्या घड़ी नहीं मैंने सोचा स्मार्ट वॉच चाहिए लड़के को हिसाब लगाओ स्मार्ट वॉच और गाइस फाइनली कुछ ना कुछ तो खरीदा है ना आज तो कुछ खरीदा है आज तो कुछ खरीदा है पेंटे लिए हैं बच्चों की और क्या लिया है टॉप्स कांटे शांटे और अभी आगे अभी सफर खत्म नहीं हुआ अभी आ जाओ मेरे पीछे पीछे तो गाइस शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है मैं तो समझ रहा था घर जा रहे हैं लेकिन ये हमें घर जाने नहीं देंगे ना तुमने क्या ईद के पहले दिन ऐसे घूमने क्या मतलब पत्ते बांध के मैं तो दोस्तों के साथ जाके शॉपिंग कर लूंगा अबे साले दोस्त मैं ही नहीं हूँ तेरा तो मैं दोस्तों के साथ ही बोला ना मैंने ये थोड़ी दोस्तों के साथ मैं ना दोस्त के हिसाब से कुछ हमें हमारी खरीदारी हो गई है लेकिन कुछ रहती है अभी किसी और जगह पे चलते हैं नेक्स्ट टारगेट आपको बताएगी किधर जा रहे हैं हम लोग ठीक है चलो क्या चल दोस्त मेरा निकाल बाइक और चले अपन चलो गाइस हम लोग आ गए मॉल में और मॉल में आके मेरे बच्चे हो गए दीवाने ठीक है बड़ा दीवाना हो गया और नन्हे मियां दिखाओ ना ये तो हीरो लाइन दीवाना हो इसके तो अंदर का घोड़ा निकल आया मतलब ले लो बावले हो गए सब मिल मिला के बावले हो गए और अब्बा जान ऐसे कर रहे हैं जैसे सब पहचानते ही नहीं है यकीन करो गाइस ऐसे कर रहे हैं जैसे पहचानते ही नहीं है कह रहे जाओ संभाल लो खुद संभालना देखो अभी है इधर आओ मुस्तफा इधर आओ तुम्हारा छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ भी नवाब है ना तो गाइस अभी हम लोग आ गए मॉल में अभी हम लोग देखते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ मिलती है मेरी कोशिश है आज जो है ना हम लोग सारा कुछ फिनिश करके दें ठीक है काम आज शॉपिंग का खत्म हो जाता क्या क्यों डर लग रहा है तुम डराने वाली कौम हो ये देखो ये तीनों मैंने लगाए हैं बताओ ये ग्रीन भी है ग्रीन के अंदर कैसी शलवार है ग्रीन ही है अभी बताओ आओ बताओ ये तीनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है ये ग्रीन ले ग्रीन वाला देखते साथ ही पसंद आ गया भाई शुक्र है कुछ तो पसंद आया तुमको चलो इसको ट्राई तो करवाऊँ मैं पहले ये देखो ये कह रहा है कि मैं हाथ छुड़वाऊँ और भाग जाऊँ रुक रुक देखा कभी ऐसा बच्चा बचपन में हम भी ऐसे ही इतना टेंशन मैं इसीलिए बोले आप ही का बच्चा ही है आप पे गया ये मेरे पे नहीं गया तू क्या शरीफ सी थी मैं जहाँ पे मेरे घर वाले मुझे बिठा के जाते थे ना यकीन करो मैं वहाँ से हिलती नहीं थी तकी 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 लुक तो दिखाया था
ओए उधर देखो सीधा आए मेरे तरफ देख इधर देख बाबा को देख तकी भागने में लगा वो कह रहा हूं ओए तकी नहीं येलो बनाओ जरा येलो बनाओ ये देखें जनाब ये मुस्तफा का हो गया और वो हो गया तकदीरुल्लाह का और हमने बोला है कि भाई सेम सेम हो गया इस दफा ठीक है जबरदस्त काम हो गया जबरदस्त हो गया ना सही लग रहा है ना इनकी इनकी बूथियां सही लग रही हैं आप लोग कमेंट में बताना ठीक है तो देखो इधर लो लो इसके तो पाँव में आज बिजली घुसी हुई है भाग रहा है बस हाँ हेलो इधर तकदीरुल्लाह ना भाई वो ना देखेगा वो कह रहा है ये देखो कह रहा है हाथ छोड़ और मैं जा रहा हूँ ये देखें हाथ छूटा और वो गया ठीक है तो आप दिखाओ जरा दोनों भाई सेम सेम इनकी ट्विनिंग हो गई है जबरदस्त हो गया काम और गाइज यहाँ पे गोरिल्ला डांस हो रहा है करके दिखाओ जरा फिर बाजू ऊपर कर तो यहाँ पे गोरिल्ला डांस हो रहा है तो इनको जो है ना एक एक्स्ट्रा सूट मिल रहा है क्योंकि जुम्मे की नमाज वगैरह के लिए जाते हैं तो फिर जो है ना इनके लिए मसला ना हो ठीक है सही है मौज में हो तो मैं तो मौजे मिल गई भाई और वो लड़का फिर गायब हो गया यार वो लड़का फिर गायब हो गया है चलो जी आखिरकार बिलाल साहब के कपड़ों की बारी आ गई है वो समझ आ रहा सही अच्छा लग रहा है लुक तो अच्छी लग रही है ले लो ले 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 वो फहद मुस्तफा का शो खोल रहे हैं हम ले 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 फिटिंग तो जबरदस्त कलर अगर डल है वैसे तो प्यारा लग रहा है अगर डल लग रहा है तो मैं तो फिर तुम ब्राइट ले लो गाइस आप लोग बताओ कैसे लग रहा है इसको अभी उन लोगों ने जब बताना है उतना तुम लोग ले भी जाना चलो सही है वो वाला पहन के देख लो जो मैंने तुम्हें पहले दिखाया था यहाँ पे खड़े हो मैं यूं जाग लेके आता हूँ वो ट्राई करना ठीक है और गाइज ये था वो सूट जो पहले इन्होंने निकाला था तो ये लो पकड़ो जाके एक दफा ट्राई करके आओ मुझे लगता है उम्मीद है मुझे कि तुम्हें पसंद आएगा वैसे लग तो ये प्यारा रहा है बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप लग रहे हैं यहाँ से जाना तोंद निकाली हुई बॉडी बिल्डर लग रहे हो क्यों मोटे हो गए कम खून चूसा कर भाई मेरा मोटा हो गया मैं पतली हो गई हूँ ट्राई करा भाई करा यार जल्दी जा ये देखें गाइस आपने मेरा जंगली बच्चा देखा है ये देखें आज ये पकड़ना मुश्किल हो गया है टकी साहब ये देखें कह रहे मुझे छोड़ो और मैं जा रहा हूँ ये देखें कैसे टांगे मार रहे हैं और मुझे डर है बाहर जाना एलिवेटर वगैरह है तो उसकी वजह से जो ना मस्तियाँ ना हो जाए है ना आज क्या तुमने खाया आज तुमको क्यों मस्तियाँ आ रही हैं इनके बाबा जो है ना गए हैं बिलिंग करवाने खैर से वो जल्दी जल्दी बिलिंग करवाएं और यहाँ पे मैं इनको बहला रही हूँ कि देखो आपके जैसा एक और बंदर है मेरे पास मगर वो देखें वो लड़ाइयाँ कर रहे हैं गंदा बच्चा हुआ है गाइस A few moments later. लो गाइस बंद दुकान से हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं सब कुछ बंद हो गया है मुस्तफा के यहाँ पे ना चीज़ें डिसाइड हो रही हैं और तकदीरुल्लाह ने वखरा रौला डाला हुआ है कि भैया हमें जो है ना नींद आ रही है सोना है हमें तो अभी जो है ना हम लोग बस शॉपिंग कम्प्लीट कर रहे हैं ये देखें इनको फिर कुछ नज़र आ गया कॉ लेने हैं अपने ये देखो जी तीनों की डिसाइड होगी हाँ क्या करना है हाँ करना है पर वो तकदीरुल्लाह रो रहा है पसंद है बिस्ती लाइव बिस्ती हो रही है हाँ तो गाइस ये हमें लूटने के चक्कर में है ना तुम्हारी औलाद लूटने देगी तो सही है ना तकी तकी तो मेरा साथ दे रहा है ना वेरी गुड कोई जूती है ऐसे बकवास जूती है सारी ठीक है देख ले मैं कह रहा बकवास जूती है क्वालिटी कोई नहीं अच्छी आ जा चले मिल करवा निकले यकीन कर ऐसी जूती टूट जाएगी यकीन पक्की बात है टूट जाएगी पक्की बात बता रहे टूट जाएगी यकीन कर टूट जाएगी कोई लेने का फायदा नहीं 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 फायदा लेना बिल करवा चले ये सही लगी है यकीन कर बकवास लगी बिल्कुल गाइस आप लोग बताओ ये जूता अच्छा लगा या बुरा लगा ठीक है बिल्कुल बकवास लगा नहीं लगा सुनना नहीं मेरे को मैं कह रहा हूं ठीक है इनके ये बैठे हुए सेल्समैन बैठे इनसे पूछ ले नहीं तो गाइस ये मेरे को लूटने के चक्कर में है जूता बिल्कुल बकवास है मेरा खर्चा पहले बहुत ज्यादा इसने करवा दिया जूता अच्छा नहीं है ये इनके ठीक है सेल्समैन बैठे हैं इनसे पीछे पूछ दो जूता अच्छा नहीं है नहीं है सही चलो आ जाओ यकीन करो जूता अच्छा जूता नहीं है छोड़ दे उनको ठीक है ले लड़कों को देख ले उन्होंने घर जाना देख ले शक्ल उनकी देख लेना अभी वो कह रहे बाजी जाओ आप लोग अभी आज आप लाग नहीं कर निकल टाइम यकीन करो सच कह रहे हो ठीक है वो कह रहे बाजी जाओ हमने अपने घर जाके अफ्तारी कर ली अभी आ जाओ चले नहीं अच्छा लगा तो ये देख लो गाइस आप लोग बताओ कमेंट्स में अच्छा या बुरा है पूछा मैंने कुछ बिल्कुल बकवास जूता अच्छा नहीं लगा यकीन में सच कह रहा हूँ निकलो जल्दी टाइम नहीं है यकीन तो सच्ची कह रहा हूँ मजाक नहीं कर रहा ना निकल निकल नहीं करो नहीं नहीं सच्ची कह रहा हूँ जूता अच्छा होता है आपको दिला देता ना अच्छा जूता नहीं है गाइस बिल्कुल बकवास का जूता है यकीन करो थोड़े टाइम में टूट जाएगा जूता इसे टूटने टूटने जो मर्जी जूता क्या मतलब फॉरएवर होते हैं कभी टूटते नहीं है टूटेगा मैं सिलाई करवा लूंगी तुम ना टेंशन सिलाई जो घर पड़े वो करवा दे ये देखो सही है मेरा नहीं दिल अभी दिलाने का ठीक है सुन लिया ना तुमने आ जाओ आ जाओ
चलो आ जाओ ठीक है, चलो चलो कल आएगी तो ले गया ठीक है, चलो निकल लेगी करो, चलो चलो ठीक है आ जाओ, चलो मैंने कपड़े ठीक है ले लूंगा सदर से जाके ठीक है, आ जाओ मैं ले लूंगा यार निकलना, आ जाओ चलो आ जाओ, चलो ठीक है। तो गाइस बहुत मुश्किल से इन्हें ठीक है निकाला है इधर से, नहीं तो आज हमारा खर्चा करवाती आज भी ना, आज भी खर्चा करवाती जरूर, चलो उन्हें आने दो मुस्तफा तक ही, अभी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चले क्या हो गया क्या तेज हो गया गाइस, किसी ना काम की जूती ठीक है, 4,500 रुपए की जूती, ऐसे टूटने वाली जूती 4,500 की नहीं थी, और की 3,500 की थी, 3,000 कुछ की थी, 3,200 रुपए की, 200 रुपए मेरे से ले लेते, 200 तेरे से ले ले, इसका दिल तो कोई नहीं घर जाने का, इधर इधर बच्चे इधर इधर आओ, इधर इधर आओ, इसका घर जाने का दिल को लेकर लेके जाऊंगा इसे मैं, लाजमी मैं कल फिर आ जाऊंगी। तो चलो आज का व्लॉग इधर एंड करते हैं, उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो जल्दी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नए हो तो ठीक है, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, फिर मुलाकात होगी कल जब मैं जूते खरीदूंगी, तो तब तक के लिए मैं जूते खरीदूंगा और मैं कपड़े खरीदूंगा, टाटा बाय बाय।